अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। आसिफ बसर पैसे से भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेता थे। उनका जन्म 27 जुलाई 1967 को अमरावती महाराष्ट्र भारत में हुआ था। बचपन से ही उनका मंचन शुरू हो चुका था। बसरा एक बहुत ही विनम्र परिवार से थे और उन्होंने कभी भी अभिनय का ट्रेनिंग नहीं लिया। आसिफ को अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में फिल्म समारोह में एक सक्रिय भाग लेने के लिए काफ़ी जुनून था। 1989 में वो कॉलेज के प्रोडक्शंस में अभिनय करने के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने अपना BSc पूरे किए मुंबई विश्वविद्यालय से फिजिक्स में और बाद में कंप्यूटर कोर्स में शामिल हो गए। मुंबई में नौकरी करने के बाद वो नाटक देखने के लिए अपना सारा वेतन खर्च कर देते हैं। 1991 में उन्होंने सलीम गौस को एथल फुगर के नाटक बॉस मैन लीना के निर्माण में देखा जो एक सप्ताह तक रात के बाद रात था। एक दिन गौस ने उनसे मुलाकात की और इसने मुंबई थिएटर के दृश्य में अपनी एंट्री को चिन्हित किया। बाद में गौस ने भी शेक्सपियर के हेमलेट के अपने मंच नाटक में ओरेटो की भूमिका की पेशकश की। आसिफ ने मंच पर नियमित रूप से हिंदी अंग्रेजी और उर्दू नाटकों में अभिनय किए। जल्द ही उन्होंने फिरोज खान के महात्मा बनाम गांधी अंग्रेजी और मैं भी सुपरमैन हिंदी सहित अपने प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण प्रशंसा अर्जित किए। 1996 में बसरा ने भारत रंगमंच में अपने उत्कर्ष के कारण 9 से 5 बजे की नौकरी को इस्तीफा दे दिए। अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे उनका पहला बॉलीवुड फिल्म था जिसके बाद राहुल ढोलकर की फिल्म परजाने आया। दोनों फिल्मों और आसिफ बसरा ने महत्वपूर्ण प्रशंसा अर्जित की। उन्हें अक्सर पृथ्वी थिएटर में अभिनय वर्कशॉप का आयोजन करके युवा प्रतिभाओं को ट्रेनिंग करते देखा जाता है। आसिफ बसरा 2018 के हिंदी परिवार के नाटक हिस्की में भी दिखाई दिए जिसमें रानी मुखर्जी अभिनीत थे। उन्हें 12 नवंबर 2020 को मैकलोडगंज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में लटकाया पाया गया। वर्तमान मामले में पुलिस और फॉरेंसिक टीम अभी भी जांच कर रहे हैं। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।